नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। सिमरिया क्षेत्र की जनता के दिन खराब चल रहे हैं या इनके दिन जानबूझकर खराब किए जा रहे हैं, या तो समझ से परे है। कभी जरमोरा में धान के खेतों में बुलडोजर विचरते हुए अच्छी खासी फसल को निपटा दिया जाता है, तो कभी कोई और कांड। इस बार जो नया कांड विधानसभा सिमरिया के लोगों के साथ हुआ है, वो बेहद चौंकाने वाला है। विंध्य क्षेत्र का बच्चा बसामन मामा को पूजता है, उनका सुमिरन करता है, लेकिन बसामन मामा के मंदिर के आसपास के इलाके को अतिक्रमण बता दिया गया है। हाल ही में सिमरिया के तहसीलदार ने बसामन मामा के आसपास के इलाके में बसे लोगों की जमीनों के लिए ऐसा नोटिस जारी किया जो बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर सकता है। ये साजिश इन गरीब मजलूम लोगों के साथ की गई है, जिन्हें बाकायदा नोटिस जारी कर उन्हें उनकी ही जमीन से बेदखली का तुगलकी आदेश हो गया है। क्या प्रदेश में बीजेपी सरकार ने गरीबों को जमीनों का पट्टा दिलाए जाने के बजाय पट्टेदारों को उखाड़ फेंकने की कस्में खा ली हैं? ये बड़ा सवाल है। सवाल यह भी कि क्या यह सब स्थानीय विधायक की सह से हो रहा है। दरअसल बसामन मामा के आसपास की जमीन को करीब 28 लोगों ने काफी पहले खरीदा था, लेकिन इन पीड़ित लोगों का आरोप है कि नक्शे को सैटेलाइट में भी बदला गया है। खसरा नंबर 922 के अलग अलग नंबरों की जमीनों को खरीद कर बसे लोगों को अब इस जमीन का नंबर 925 बताया जा रहा है। 922 नंबर जमीन थी। अभी क्या समस्या आ गई? अभी नोटिस आई सर। नोटिस काहे की नोटिस आई? नोटिस 925 की आई है। 925 925 में कोई जमीन है आपकी? 925 में हमारी जमीन नहीं सर। और आप जो बसे हैं वो कौन सा नंबर है? 922। ये रजिस्ट्री हम लोग करवाए हैं, पर जमीन खरीदे हैं। कहाँ पर? ये 922/10 ये कहाँ का मामला है? ये मामला बसामन मामा का है। और ये बीसवीं जमीन 500 square feet जमीन जो है हमने लिया है, वो मैडम के ही नाम है। हाँ। तो नोटिस तो 925 की कट के आ गई है, 925 में आप का बीज है? फर्जी है, फर्जी है। तो ये 925 है या 922 है? 922 है। अच्छा, तो आपने ये क्या है, आपका रजिस्ट्री है क्या? 922/10/97 है श्रीमान जी, और नोटिस 925 का है। हाँ, एक मिनट गया। ये देखिए, ये जो है यहाँ पर आपका लिखा हुआ, ये जो है नोटिस हमको मिली है आपके 7 तारीख को मिली है। अन्याय हो रहा श्रीमान जी, और क्या हो रहा है? आपकी जमीन जो आपने खरीदा, किससे खरीदा था आपने? रामायण प्रसाद शुक्ला से। कितने नंबर जमीन है वो? 922/10/97। और अभी जो नोटिस कटी है, आई है नोटिस, वो जो है ये सब अत्याचार है सर। न्यायालय प्रस्तुत करें कि क्यों ना आपको उपरोक्त अराजी से बेदखल किया जाकर ₹1500 अंड आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा। शुद्ध शब्द में। और आप क्या नाम होंगे पूर्व में जो रहते हैं, वो जिनसे जमीन ली थी आपने? रामायण प्रसाद शुक्ला। ये हमारी 2000 की खरीदी हुई जमीन है। हाँ। और 2 साल हो गया इसका वो नक्शा तरमील करने का आवेदन किए हुए, फिर भी आप बार बार जाते, क्या बोलते हैं आपसे? बार बार जाता हूँ, कहते हैं हो जाएगा, बस हो गया, अभी करवा देंगे। करवा देंगे दिन में। पटवारी को ये लिख के पटवारी को दिए, ये पटवारी को लिख के दिए तत्काल कि 24 घंटे में नक्शा तरमील हो जाएगा। और पटवारी बोलता है कि आज करेंगे कल करेंगे, यही हाल चल रही है। हो रहा ना हमारे यहाँ, ये हम लोग का काम है, हम लोग को भी मारना चाहते हैं ना। तो आपको कभी मामला आ गया वो? क्या हो गया मामला? वही 922 को 925 बोले नदी में बसे हो तुम? 922 का 925 बना दिए। तो ये जो है, ये 951 में जो मेरा मकान बना है और इसका नक्शा तरमीन नहीं हो रहा, तब ये कहाँ ले जाएंगे हमको? तो ये जो है नक्शा तरमीन कब से नहीं हो रहा? कितने दिन हो गया आपको? है कितने दिन हो गया तहसील का चक्कर काटते हुए? तहसील का चक्कर काटते हुए 2 साल हो गया। 2 साल से अब चल रहे लगा था? दो साल से चल रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये भोली भाली जनता ही गलत नंबरों की जमीन पर काबिज है, या राजस्व विभाग और भू अभिलेख के अधिकारियों के साथ साठ गांठ कर कोई खेल किया गया है? खैर, स्थानीय नेता और सत्ताधीन विधायक कैसे जनसेवक है, क्षेत्र की जनता अच्छे से समझ चुकी है। सिमरिया के उन तमाम लोगों को इंतजार है उस दिन का, जब दोबारा विधायक चुनने की उनकी बारी आएगी। तो ऐसे निकम्मों को सत्ता से सरकाने में शायद जनता नहीं चूकेगी। फिलहाल इस पूरी खबर पर स्थानीय पीड़ित लोगों ने क्या कहा और सिमरिया के आप नेता प्रमोद शर्मा ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। देखिए, मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को जो है ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कल का जो मामला है, वो बसाम मामा पे जो है जो जमीन है, बसाम मामा जमीन जहाँ बसी हुई बसाम मामा, और वहां पर लगभग 28 लोग जो है जिन्होंने जमीन खरीदी है, वो जो है 922 नंबर है। उस 922 नंबर पे जो है वहां पर काबिज थे, पिछले 25 सालों से रह रहे थे,
अभी जो है अचानक जो तहसीलदार सिमरिया के द्वारा जो है एक नोटिस काट दी गई जिसमें उनको 925 बताया जा रहा है जी। और उनको यहाँ तक इतना इतनी लंबी प्लानिंग की गई है कि सैटेलाइट भी पूरी तरह से चेंज हो चुका है और सैटेलाइट के माध्यम से अब जो है 922 जो है जिसमें दूसरे लोग काबिज भी हैं अभी जिस शुक्ला परिवार से खरीदा था जमीन उस जमीन को जो है पूरी तरह से जो है उसको 922 को 25 बता दिया गया। वहां के लोग बहुत ज्यादा दुखी थे मुझसे उन्होंने संवेदना व्यक्त की है और उन्होंने बताया है कि जो है हमारे साथ में जो अन्याय हो रहा है इसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए वही वीडियो जो है सत्य वीडियो उनका पूरी जगह पे चल रहा है। और मैं जो है प्रशासन से मांग करूंगा कि इस प्रकार जो है नंबर बदलाव का ये 25 साल 30 साल के बाद अगर नंबर सैटेलाइट बदल जाता है तो ये पहले नहीं तो ये बहुत दुखद है क्योंकि अब वो 922 जो है वो भी बोल रहे हैं सरकारी है या वो है तो पट्टा कैसे हो गया और इतने दिन तक कैसे ये होता रहा ये बड़ा मामला है। और इसको लेकर सिमरिया की जनता जरमोहरा के बाद अब जो है सिमरिया के अंदर जरमोहरा जो कांड हुआ तो हुआ ही है पर राजस्व विभाग द्वारा ये कैसी गलती है इसका जो है अब खुलासा करने की जरूरत है और ये बहुत अन्याय है। इसके लिए मैं जो है उनकी तरफ से आप सभी लोगों से चाहता हूँ इस अन्याय पर जो है आवाज जो है अपने देश का चौथा स्तंभ जो है वो मुखर हो। धन्यवाद। यहाँ पर जो है क्योंकि जब से पिछले लास्ट टाइम से विधानसभा जब रही है उसमें कोई कुछ नहीं लेकिन जब से ये विधानसभा के विधायक जो है किरीट त्रिपाठी जीत के गए हैं तब से जगह जगह गांव गांव में ये खेल चल रहा है अतिक्रमण का और इसका और आयुष विभाग बेकाबू है सारे डिपार्टमेंट बेकाबू है। अब पीएचई काम नहीं कर रहा है राजस्व काम नहीं कर रहा है मेडिकल का कुछ वो नहीं हो रहा है गांव गांव में ये जो है घटनाएं घट रही हैं। और ये राजस्व का जो मामला है तो मैं समझूंगा रीवा में जो है जिस प्रकार से अपने स्टेटमेंट ये जो है इनको राजेंद्र शुक्ला जी को जिस प्रकार का समझड़िया और ये सब खेल चलता जमीन का उसको पीछे छोड़ते हुए एक प्रतिस्पर्धा जैसी लग रही है और इसमें जो है राजस्व विभाग को कंट्रोल क्यों नहीं है और एक घटना आज आई है क्या स्टेटमेंट आएगा केपी त्रिपाठी जी से मेरा जो है ये सवाल कि क्या इस पे जो है इनका क्या वक्तव्य है आप लोगों के माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ। खैर न्याय की गुहार लगाते ये लोग इन्हें दरकार है तो सिर्फ न्याय की लेकिन चूल्हे की रोटी से सियासत चमकाने वाले सूबे की मुखिया शिवराज के राज में इन गरीबों के घर अंधेरे के सिवा कुछ और नहीं मिलने वाला। फिलहाल इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय हमें जरूर बताएं। अभी के लिए दीजिए इजाजत देखते रहिए विराट 24 न्यूज। धन्यवाद। खुल गया खुल गया खुल गया आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन तिलक एंगेजमेंट रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें स्काई रेस्टोरेंट विश्वविद्यालय रोड लोटस टावर खुटे ही रीवा।